सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक सफल बिजनेसमैन जो होता है ना, वो ऐसा क्या सोचता है कि जो हम है ना बिजनेस करते टाइम या फिर हम नहीं सोचते हैं वैसा। एक सफल बिजनेसमैन की सोच क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सफल बिजनेसमैन है ना सोचता क्या है। सबसे पहले बताऊंगा, वो सोचता ही रहता है, वो सोचने से रुकता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों सोच से ही उसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि दोस्तों उसको पता है कि एक छोटी सी सोच ने उसका बिजनेस खड़ा किया है और उसी सोच से उस बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है और उसी बड़े बिजनेस को उसी सोच से और बड़ा किया जा सकता है और उसी सोच से उस बड़े बिजनेस को और ज्यादा बड़ा किया जा सकता है। उसको पता है कि सोच सोच ने शुरुआत की थी, सोच सोच से ही वो आगे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन हमेशा सोचता ही रहता है, क्योंकि दोस्तों सोच से ही शुरुआत हुई थी, सोच से ही बड़ा बिजनेस बनता है। जब तक आपकी सोच की शुरुआत नहीं होगी तब तक बिजनेस खड़ा नहीं होगा और आगे जाकर बड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको सोचना शुरू करना होगा बिजनेस के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपके जो रिसर्च करनी है बिजनेस के बारे में। तो सोचेंगे, अब मान लीजिए एक सोच होती है, एक वो सोचता है कि जो बिजनेसमैन होता है ना वो ये सोचता है कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। रियलिटी में कस्टमर को भी सेटिस्फाइड करना है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के साथ साथ प्रॉफिट भी निकालना है, प्रॉफिट को निकालने के साथ साथ एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखता है, एम्प्लॉयज का ख्याल रखने के साथ साथ अपना टाइमिंग भी सेट रखता है, इस टाइमिंग से लेकर इस टाइम तक हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज दिए जाएंगे और वो दोस्तों उस बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करने में लगा रहता है और वो सोचता है कि कस्टमर को और ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कैसे किया जाए, मतलब कि बुलाया कैसे जाए, उस पे स्कीमें वगैरह लेकर आता रहता है, नई नई प्लानिंग सोचता है, नए नए आइडियाज लेकर आता है, नए नए बिजनेस की शुरुआत करने की कोशिश करता है। अगर आपका बिजनेस एक जगह है, दूसरी जगह शुरुआत करने की वो बिजनेसमैन सोचता है, जो कि हम नहीं सोचते। क्योंकि दोस्तों कुछ बिजनेस आपने सोचते होंगे तो अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन दोस्तों कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिन्होंने बिजनेस कर लिया, एक जगह बिजनेस कर रहे हैं, हाँ ठीक है, एक बार प्रॉफिट आ रहा है, 2,000-3,000 रुपए पर डे कमा रहे हैं, उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं कि इतना बहुत है ना, क्या है आगे जाके क्या करना है, वो सोचना बंद कर देते हैं उस टाइम। तो वहीं जाकर वो गलती कर देते हैं, ये सोचना जहां बंद हुआ वहीं आपकी इनकम घटती चली जाएगी। आप 3,000 कमा लेते हैं, उसके बाद आप कुछ महीनों बाद देखेंगे आप 2,500 कमाने लग जाएंगे, 2,000 पर डे आएंगे, फिर 1,500, 1,000, इसके बाद दोस्तों लास्ट में जाके आप मायूस हो जाएंगे कि हाँ ठीक है बिजनेस तो बंद, अब क्या करें। क्योंकि दोस्तों रियलिटी में हुआ क्या, हुआ ये कि आपने सोचना बंद कर दिया। आप सोचना बंद नहीं करते तो आपको बिजनेस एक जगह से छोटी सोच से बड़ा होता, बड़े से बड़ा 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 और ज्यादा बड़ा होता, मतलब कि इस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच जाते बिजनेस को लेकर। क्योंकि दोस्तों सोचने हैं, सोचने आप एक बार सोचिए, सोचने से शुरुआत हुई थी, सोचने से फिर आगे बिजनेस क्यों नहीं बड़ा हो सकता, हो सकता है ना। बिजनेसमैन भी यही सोचता है कि यही सोच उसको और ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाती है। क्योंकि दोस्तों सोच सोच का फर्क होता है और सोच सोच का फर्क आपको मिटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपकी सोच सोच बदल में सोच सोच करके आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोचना आपको जरूरी है, सोचते रहेंगे तब कहीं जाकर आप बिजनेस करेंगे। सोचने सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उस सोच को आपको अप्लाई भी करना होगा अपने बिजनेस के ऊपर, तब कहीं जाकर आपका बिजनेस बड़ा होता है। तो बिजनेसमैन यही, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो यही सोचते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर बड़ा किया जाए, या फिर दोस्तों कैसे उसको बड़ा किया जाए और कैसे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास आएँ, तब कहीं जाकर बिजनेस बड़ा होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ना पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।